नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। जनसेवा के लिए समर्पित युवा इंजीनियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में लोग विश्व भर में फैली महामारी कोविड-19 नोबल कोरोना के संकट की घड़ी में जनसेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की युवा इंजीनियर अमित कुमार तिवारी ने। आपको बता दें कि युवा इंजीनियर अमित तिवारी दिल्ली के एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमित ने अपनी एक महीने की सैलरी 80,000 रूपए पीएम केयर फंड में जमा करा दी है। अमित तिवारी यही नहीं रुके और आगे बढ़कर गरीब असहाय लोगों तक भोजन स्वयं बनवाते हैं, साथ ही साथ असहाय गरीब लोगों को पहुँचाने का काम भी करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी। आपको जो आज सामग्री मिली है वो किन लोगों ने दी है? अमित तिवारी ने दी है साहब। बच्चे भूखन मर रहे थे तो उन लोगों ने बहुत बांटा है। सरकार की ओर से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। 3 दिन से बच्चे भूखे थे तो जिन लोग देखे आए तो इन लोगों ने बांटा है। देखा कि मेरा शहर है, आज तक सेवाएं मैं दिल्ली में देता रहा, अब डबरा में भी कुछ सेवाएं देनी चाहिए। ये लोग हैं जिनके पास कई दिनों से राशन नहीं मिल रहा है, तो मैं चिन्हित करके अपने स्टाफ द्वारा और उनको कच्चा राशन या पका हुआ राशन जो भी हमसे बलपूर्वक बनता है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। अभी तक आपने कितने लोगों का ग्रहण किया? अभी तक हमारा क्रम तो 450 लोगों का टारगेट हो चुका है, जिसके 21 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है और कोशिश करेंगे कि आगे भी चलता जाए। आज आपने कितने लोगों को ग्रहण किया है? आज करीबन 50 से 60 लोगों को खाना वितरण हुआ है, इसमें हमने कच्चा राशन रखा है। नहीं, हमारे ये जानकारी आई कि आपने पीएम मोदी के आह्वान पर केयर फंड में कुछ रुपए जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए हैं? जी बिल्कुल सही बात है, इस महायज्ञ में छोटी सी आहुति थी और ये आहुति का मूल्य तो कुछ नहीं है, लेकिन 80,000 रुपये मेरे एक महीने के तनख्वाह के मैंने उसमें दिया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा जी